दोस्तों पुनीत सुपरस्टार हो गए हैं बिग बॉस से बेघर, लेकिन दोस्तों हम लोगों में बहुत कम कोई पता है कि क्यों पुनीत सुपरस्टार को बेघर करना हुआ या फिर किया गया। चलिए मैं दोस्तों आपको बताता हूँ क्यों हुआ ऐसा। दोस्तों सबसे पहला जो पुनीत का शुरुआत हुआ था वो शुरुआत हुआ था बेड को लेकर। जी दोस्तों, पुनीत वहाँ पर जाकर उनको कोई बेड मिला ही नहीं तो मजबूरन उनको सारे रात सोना पड़ा और इसी के चक्कर में गुस्सा होकर वो गए वॉशरूम में, जो फुटेज आप देख पाए होंगे ऑलरेडी, जहाँ पर वो टूथपेस्ट लेकर अपने गाल पे मसल देते हैं, पूरा हैंड वॉश पूरा खाली कर देते हैं, अपने बाल पे लगा देते हैं ताकि वो लोग यूज ना कर पाए। तो बिग बॉस ने यहाँ पर वार्निंग देता है कि ऐसे बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाओ, और सब लोग उनके अगेंस्ट पे हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि ज्यादा सेलिब्रिटी लोग तो तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन पुनीत कहाँ मानने वाला है, वो चलता रहता है अपने वे में। वहां पर बाद में क्या होता है, एक जगह पर दिखाया जाता है कि टॉयलेट में कौन पॉटी करके ठीक ठाक से साफ नहीं करते, तो अविनाश जाकर वो साफ करते हैं और सब लोग का जो निशाना होता है वो होता है पुनीत पर। ज्यादा तो सब लोग सोचते हैं कि पुनीत जो है वो ऐसा कर रहे हैं, तो सब लोग निशाना दाग देते हैं पुनीत पे। तो एक से पुनीत का लड़ाई हो जाता है सबसे। बिग बॉस वार्निंग पे वार्निंग देते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पुनीत का सुनने वाला है, मैं तो करूंगा ही ऐसा। तो सब सेलिब्रिटी लोग एकजुट हो जाते हैं, सब लोग उनके अगेंस्ट में हो जाते हैं। पुनीत बिग बॉस का मेन डोट निकलता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं किसी से सॉरी नहीं कहूंगा, मैंने किया ही नहीं है। जी दोस्तों, पुनीत इनकार कर रहा था कि मैं ऐसा नहीं किया हूं मैंने। तो सेलिब्रिटी सभी लोग अड़ जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। बिग बॉस को कहते थे कि आप इसमें डिसीजन ले, कन्फ्यूजन रूम में बुलाए। तो बाद में बिग बॉस ने सब एकजुट होकर बुलाया सबको लिविंग रूम पे, वहां पर बारी बारी से पूछा कि आप उनको रखना चाहते हैं या नहीं। तो सेलिब्रिटी जो लोग हैं, 7 सेलिब्रिटी है और नॉन सेलिब्रिटी यहाँ पर है पुनीत, फुकरे इंसान, मनीषा रानी और आलिया सिद्दीकी, बाकी सब सेलिब्रिटीज है। ये 4 को छोड़कर बाकी सभी मिलकर कहते हैं कि हम उन्हें रखना नहीं चाहते हैं। तो बिग बॉस को मजबूरन उनको बाहर निकलना पड़ा और वो हुआ बिग बॉस से बेघर। तो इन बीच वो माइक ठीक ठाक से नहीं पहन रहे थे, बिग बॉस का कुछ कहा नहीं मान रहे थे, किसी का कुछ कहा नहीं मान रहे थे, और कंट्रोवर्सी में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा था, जो कि देखने में बहुत लोगों को बहुत मजा आ रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों इसी कारण पुनीत को बाहर निकलना हुआ। दोस्तों आप क्या चाहते हैं, पुनीत को वापस लाया जाए या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर किया। दोस्तों मुझे इंतजार करो दोस्तों आपके मेरे कमेंट का।